निर्वाचन साहब, माननीय श्री अजय प्रताप सिंह, धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं सदन में जो वन संरक्षण संवर्धन संशोधन बिल 2023 प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बिल प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने बिल के अहम बिंदुओं से सदन को अवगत कराया है। उपसभापति महोदय, भारत आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत से न केवल भारतवासियों को आशा है, अपितु दुनिया के लोगों की आशा का केंद्र बना हुआ है हमारा देश। और इसलिए रणनीतिक रूप से हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश मजबूत रहे, हमारा देश न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके, अपितु जो हमारे पड़ोसी देश हैं, और केवल पड़ोसी देश ही नहीं, दुनिया में अनेक ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। तो इस विधेयक के माध्यम से भारत की सुरक्षा को अहमियत प्रदान की गई है। इस विधेयक में माननीय मंत्री महोदय जी ने जो प्रस्तुत किया, ये प्रावधान किया है कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो रणनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में 100 किलोमीटर की दूरी तक हम युद्ध की दृष्टि से, रणनीति की दृष्टि से अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें जो वन संरक्षण का पूर्ववर्ती 1980 का कानून है वो बाधा न बन पाए, इसलिए ये संशोधन विधेयक आया है। अब पहले जो युद्ध की रणनीति हुआ करती थी, तो सामान्यतः जो सीमावर्ती क्षेत्र हुआ करता था वो अविकसित छोड़ दिया जाता था, जिससे कि अगर कभी हमको पीछे हटना पड़े, दुश्मन तेजी से चढ़कर हमारी छाती पर आए तो उसकी आने की रफ्तार धीमी पड़ जाए। लेकिन दुनिया में अब वार स्ट्रेटजी बदल गई है। अब वार स्ट्रेटजी बदलने के कारण और दुनिया में भारत की स्थिति बदलने का कारण अब यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को अविकसित रखें। अब इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करें, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे संपर्क के साधन हैं, संचार के साधन हैं, वो मजबूत हों, और आवश्यकता पड़े तो हमारी जो सेनाएं हैं द्रुत गति से सीमा पर पहुंचकर अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। आपने चाइना के संदर्भ में देखा ही होगा कि जब चाइना ने डोकलाम में हिमाकत किया, लेह लद्दाख में हिमाकत किया, तो हमारी सेनाएं अगर फेस ऑफ की स्थिति में बड़ी तेजी से वहाँ पर पहुंचकर रिटेलिएट कर सकी, उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकी, तो उसके पीछे यही कारण है कि मोदी सरकार के कालखंड में बड़ी तेजी से सीमावर्ती क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, और यही प्रावधान इस बिल में किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय ने ध्यान आकर्षित किया है, वो जो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उस वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो विकास आवश्यक है, जो वहाँ के कल्याण के लिए बुनियादी बातें आवश्यक हैं, उसमें ये जो 1980 का विधेयक है वो बाधा न बन पाए, इसलिए इस विधेयक के माध्यम से उसमें संशोधन किया गया है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि जनजाति क्षेत्रों में अगर वामपंथी उग्रवाद प्रवेश किया है तो इसका मूल कारण है उनका पिछड़ापन, वो देश की जो सामान्य गति है उस समान गति के साथ उनका तालमेल ना होना। वो अभी भी आदिम युग में जी रहे हैं, और हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा जनजाति वर्ग को एक जू में बंद करके रखा है। ये समय हो गया क्या? समय 4 मिनट हो गया आप। जी जी, बस 1 मिनट। तो उनको जू में बंद करके रखा है, उनके विकास की चिंता नहीं किया है। क्या जनजाति वर्ग को ये हक नहीं है कि वे आगे आए, शिक्षा प्राप्त करें, उनके यहाँ भी आजीविका के साधन विकसित हों, उनके यहाँ भी आर्थिक संसाधन विकसित हों? इसके लिए रोड की आवश्यकता है, इसके लिए बिजली की आवश्यकता है, इसके लिए पानी की आवश्यकता है, इसके लिए स्वास्थ्य के भवन की आवश्यकता है, इसके लिए स्कूल की आवश्यकता है, और इन सभी विकास के लिए
जो बहुत उनके विकास करने के लिए आवश्यक है, इन सारी बातों के लिए इस विधेयक में प्रावधान किया है। क्योंकि मेरा समय कम है, इसलिए मैंने दो बिंदुओं पर अपनी बात रखने का प्रयास किया है। मैं इस बिल का बहुत बहुत समर्थन करता हूं। धन्यवाद उपसभापति महोदय। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। माननीय श्रीमती रमीला बेन बाराजी।